नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वायरस संकट में प्रदेश में शराब की दुकान खोलने पर कहा है कि यह वही लोग हैं जो विपक्ष में बैठकर प्रदेश में शराब को लेकर रोज विरोध करते थे और मदिरा प्रदेश बनाने के आरोप लगाते थे। सत्ता में आकर यही शराब के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि खूब झूठ बोले लेकिन मजदूरों के नाम पर मजाक ना करें। प्रदेश के सभी प्रमुख मार्ग और सीमाएं मजदूरों से भरे हैं, कोई नंगे पैर तो कोई साइकिल से घर जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी से कहा था कि यदि उन्हें श्रमिकों की मदद करना है तो मध्य प्रदेश आएं, यहां की व्यवस्थाएं देखें, इससे उन्हें मदद मिलेगी। शिवराज ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश रोज 1000 बसें चला रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि अगर कमलनाथ में हिम्मत है तो वे अपने नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछें कि महाराष्ट्र से मजदूरों का अमानवीय तरीके से बेदखल क्यों किया जा रहा है। ग्वालियर सीट से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। पवैया सिंधिया विरोधी राजनीति करते रहे हैं। उधर भाजपा के नोटिस पर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि उन्होंने 9 फरवरी को ही तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया था। गुड्डू ने कहा कि इस उपचुनाव में वे तुलसी सिलावट को जरूर हराएंगे। कांग्रेस ने 24 विधानसभा के होने वाले उपचुनाव के हिसाब से जमावट करते हुए बुधवार को 11 जिलों के नए अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। इनमें से 5 जिले ग्वालियर चंबल अंचल के हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बंगला खाली नहीं किया तो उसे सील कर दिया गया। भनोट ने इसे बदले की सियासत करार देते हुए कहा कि वे लॉकडाउन के कारण भोपाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। भोपाल में बुधवार को कोरोना वायरस के 39 नए संक्रमित मरीज मिलने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1172 हो गई है। इनमें से 687 ठीक हो चुके हैं जबकि 41 की मौत हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में हमने नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, नीना वर्मा समेत अन्य से बंगला खाली नहीं करवाया। भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही बंगले खाली करने का नोटिस दे दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।